शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। और वो तुम दो शॉट के बारे में मुझे थोड़ा बताओ। एक वो जो पुल शॉट तुमने खेला, यू फेल डाउन बट द शॉट वेंट फॉर फोर। आई मीन दैट वाज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एंड देन दैट फाइनल फोर, व्हेन यू हिट दैट शॉट, व्हेन डिड इट रियलाइज कि हम जीत गए? एंड योर फर्स्ट रिएक्शन, अगर आप, आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ऑल्सो रिकैप्चर की एग्जैक्टली वॉट वॉज गोइंग थ्रू योर माइंड, बट इफ यू कैन, बिकॉज यू नो वी वुड लव टू नो इफ यू कैन, मुझे प्लीज वो जब बाउंड्री हो रहा था या हो रहा था, तुमने दो रन भाग लिया था, वो डिस्क्राइब करो। तो व्हेन आई प्लेड द लास्ट शॉट इधर, मतलब थोड़ा बॉटम तरफ लगा था, बट आउटफील्ड मेरे को लगता है स्लोप था उधर को, तो बॉल वॉज ट्रेवलिंग, तो सैनी सामने था। आई टोल्ड हिम सैनी, सैनी थ्री टू भी नहीं है, सैनी तीन भागने पड़ेंगे। और मतलब उस समय माइंड में नहीं आया कि भाई इसकी ग्रोइन गई हुई है। मैंने कहा सैनी भाग जा, सो मैं जोर से भाग रहा हूँ। पहला रन तो मैंने आंख बंद करके बहुत जोर से भागा, दूसरा रन मैंने देखा कि मिड ऑफ वाला फील्डर भाग ही नहीं रहा है। एंड आई वॉज लुकिंग ये भाग क्यों नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा स्लो दिया, तो देखा कि बॉल बाउंड्री की तरफ को जा रहा है। तब थोड़ा सा जा रहा है, जैसे ही देखा बॉल बाउंड्री पे गया, बस क्लास मजा आ गया। फिर मैंने जब देखा कि मिड ऑफ वाला भाग नहीं रहा है, मैंने कहा तीन तो वैसे भी हो जाएंगे अब, तो फिर वो बाउंड्री पे चले गया बॉल। मतलब वो लगता, मैं आई वॉज शाउटिंग सही, तीन तीन भाग सैनी एक टांग पे भाग रहा है वहां पे। के बाद आप देखो 1.3 बिलियन इंडियंस को आपने रुला दिया, हंसा दिया, खुश कर दिया। आपके पास जब वो नेशनल फ्लैग था, आप चल रहे थे, बताइए प्लीज। सर वो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, स्पेशली मतलब फ्लैग आना तो इट्स अ मोर डिफरेंट फीलिंग। नेशनल एंथम होता है जब मैच से पहले, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट गूज़बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर जब भी नेशनल एंथम होता है मैच के टाइम पे। और स्पेशली ऐसे फ्लैग कैरी करना, ऐसे फीलिंग आ रही थी यार क्या हो रहा है, ये फ्लैग कैरी कर रहे हैं ग्राउंड में पकड़ के यार, इट वाज अमेजिंग मोमेंट सर, मतलब कांट डिफाइन, वर्ड ही नहीं है यार इसको बोलने के लिए। ऋषभ, फोर्थ इनिंग्स में ऐसा बैटिंग, आपने सिडनी भी खोल दिया था एक्चुअली। अगर हम देखें, आई मीन वो मैच शायद हनुमा का अगर इंजरी नहीं हो जाता, जड्डू का इंजरी नहीं होता, आपने मैच खोल दिया था। सो दैट फॉर मी, वो जो आपको प्रमोशन दिया गया, आप एक ऊपर आए, वो सिडनी इनिंग्स के बारे में भी मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर सिडनी नहीं होता तो ब्रिस्बेन नहीं होता, क्योंकि सिडनी हमें वो स्ट्रेंथ दिया, उस इनिंग्स के बारे में बताइए। उसमें ही तब यह डे का स्टार्टिंग हुआ था, लायन आते ही मतलब अजूबिया का विकेट ले गया, नेक्स्ट बैट्समैन में ही था, तो मैं रिलैक्स कर रहा था अंदर बैठ के, ज्यादा सोचता हूँ जब तक बैटिंग नहीं आया तब तक अपने आप को पॉजिटिव रखूँ, कुछ ना कुछ करते रहूँ, सॉन्ग सुन लूँ या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ ना कुछ बिजी रखता हूँ, क्योंकि पूरे टाइम कंसंट्रेशन करना मुश्किल होता है। मेरे कोच तारक सर वो हमेशा बोलते हैं कि कंसंट्रेशन थोड़ी थोड़े मैचेस में होता है, तो हर समय कॉन्सेंट्रेट करके रहेगा तो टेंस हो जाएगा, तो वही दिमाग में घूमता रहता है कि थोड़ा छोटे छोटे टाइम के लिए, जैसे बॉलर रन अप में आता है तभी करता हूँ, फिर बॉल डल जाती है उसके बाद नॉर्मल थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ स्विच ऑफ। तो यही था उस समय, एकदम सडनली बैटिंग आ गई, प्रिपेयर तो था, अगला तो मैं ही था, बट जब बैटिंग आई अंदर थोड़ा खेल रहा था, थोड़ा सा प्रेशर लग रहा था, क्योंकि होल डे पूरा दिन बचा हुआ था यार, और रन मैसिव, मतलब इतने रन चाहिए थे, तो सोचा ही नहीं कुछ, खेल रहे हैं नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, और इतनी देर होगी, लायन आपको पता ही है अच्छा बॉलर है यार, मतलब बहुत तगड़ी बॉल डालता है वो, पकड़ के स्पेशली लेफ्टी को तो और पकड़ लेता है, राइटी को भी पकड़ लेता वो, तो एक टप्पे पे बॉल डाल रहा था। सो एक फेस था जब 5-6-7 ओवर हो गए थे, वी वर नॉट गेटिंग रन्स, तो आई आस्क्ड पुज्जी भाई कि पुज्जी भाई थोड़ा सिंगल देखना पड़ेगा, रन नहीं आ रहे, बहुत देर हो गई, ऐसे करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव थोड़ी ना कर सकते हैं पूरे टाइम। तो पुज्जी भाई ने कहा हाँ अगर मिले तो देख लेना, मैंने कहा या तो आप मार लो भैया या तो मैं मार लेता हूँ, तो पुज्जी भाई अपना खेल ही रहते, फिर मैंने कहा यार मेरे को ही करना पड़ेगा, तो एक उसने ऐसे करके बॉल डाला, क्योंकि एक उसने उससे पहले भी मेरे को टॉस करके डाला था, बट मैं भी जोन में इतना अच्छा नहीं था, मेरे लिए भी मैसिव था यार, डे की स्टार्टिंग है, पूरा दिन बचा, इतने रन चाहिए, रैश शॉट थोड़ी ना मार सकता हूँ, बट मेरे को फिर अगला बार जब उसने डाला तो
तो मेरे को लगा ये पूरा स्लॉट में दो तीन बार रीचेक करा माइंड में, मारा बाउंड्री है, थोड़ा दिल खुला। अगला बॉल फिर वही डाला उसने, मैंने निकल के फिर मारा, तो वहां से मेरे को लगता है मेरे को एक मोमेंटम मिला डिफरेंट, वो वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरे को लगता है मैं अपने ही जोन में आ गया, वो भी थोड़ा प्रेशर में आ गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि नॉर्मली ऊपर रखा होता मिड ऑन, उसने पीछे कर दिया। उसके बाद फिर सिंगल डबल खुल गए थोड़ा सा, फिर रन आने स्टार्ट हो जाते हैं एक बार, तो मेरे को लगता है थोड़ा प्रेशर कम होता है, और उनको भी प्रेशर था कि यार रन बनाना दे ये लोग, क्योंकि व्हेन वी गॉट सम 50-60 रन तो उनको भी प्रेशर हो गया कि यार बिकॉज वी वर प्लेइंग एट अ डिसेंट रन रेट, तो उनको भी प्रेशर हो गया कि भाई रन ना बन जाए थोड़ा सा, बिकॉज व्हेन यू डोंट गेट द विकेट फॉर लॉन्ग तो रन आते हैं, और यू कैन सी दैट दे वर पैनिकिंग। तो बट मेन पुज्जी भाई वाज डिसाइडिंग कि भाई एक सेशन खेलना है पूरा आराम से, नॉर्मल जैसा बॉल मिला प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल, फिर एक दो और मैंने उसको मारा कनेक्ट करके सिक्सेस, तो मतलब वो भी मेरे को लगा कि अंडर प्रेशर हुआ है थोड़ा सा, फिर सिंगल डबल खेला थोड़ी देर, तो ऐसे करके हम इनिंग बिल्ड कर रहे थे, फिर अपने जोन में था मैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।